नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। साइबर फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग देगा उत्पाद विभाग। बिहार के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक बहाली प्रक्रिया हो सकती है आसान। बिहार के 8 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बिहार के हिस्से कुछ नहीं आया राजस्व घाटा अनुदान की राशि। सीएसके के सीईओ ने धोनी को लेकर किया दावा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक बहाली प्रक्रिया हो सकती है सरल। शिक्षा विभाग की ओर से हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति के पैटर्न को बदलने को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसके बाद अगर बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रस्ताव को मान लेती है तो बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की बहाली प्रक्रिया आसान हो जाएगी और यह नया नियम अगले महीने होने वाले प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा में लागू कर दी जाएगी। बता दें कि पैटर्न में बदलाव करते हुए परीक्षा में से माइनस मार्किंग का प्रावधान हटा दिया जाएगा और साथ परीक्षा के समय सीमा को भी 1.5 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दी जाएगी। गांधी मैदान में आज हजारों को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन कर 10,459 पुलिस कर्मियों को आधिकारिक तौर पर नियुक्ति पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बता दें कि बिहार पुलिस में नव चयनित 2,213 दरोगा और सार्जेंट जबकि 8,246 सिपाहियों को समारोह में शामिल होने के लिए वर्दी में गांधी मैदान बुलाया गया था। बताते चले कि बिहार में अनुसंधान कार्य में तेजी लाने के लिए संविदा पर भी रिटायर्ड पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। करीब 450 पुलिस अधिकारी बहाल किए जाएंगे। बक्सर के सनातन संस्कृति समागम के समापन में बोले फागु चौहान। बिहार के बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम का समापन समारोह संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि इस दौरान बिहार के राज्यपाल फागु चौहान को अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल फागु चौहान ने कहा कि राजा राम के राज्य में कोई भूखा नहीं रहता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा स्थापित राज्य की हमारी आकांक्षाओं को पीर करने के लिए राम द्वारा स्थापित नीतियां सभी कालों में प्रासंगिक है। मानवता और संस्कृति के कल्याण, राष्ट्र के निर्माण के लिए सदा प्रयत्नशील संतों का सानिध्य और संरक्षण आवश्यक है। भगवान राम के जीवन में कई ऐसे तत्व हैं। साइबर फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग देगा उत्पाद विभाग। बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से बिपार्ट के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन, बैंक कर्मी सहित अन्य सरकारी कर्मियों के लिए 5 दिन का साइबर सिक्योरिटी कोर्स डिजाइन किया गया है। बता दें कि इस कोर्स को करने के लिए प्रति व्यक्ति को 10,000 रूपए अदा करने होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस कोर्स की शुरुआत 21 नवंबर से की जाएगी, जिसमें एक बैच में केवल 20 लोगों को शामिल किया जाएगा। वैसे लोग जो इस कोर्स को करना चाहते हैं उन्हें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साइबर क्राइम में जामतारा बनता जा रहा पटना। बिहार में लगातार साइबर अपराधी अपना पांव पसार रहे हैं। वहीं राजधानी पटना को साइबर अपराधियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। आज के समय में साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। बताते चले कि कॉल सेंटर के जरिए धड़ल्ले से साइबर ठगी का काम किया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस और पटना पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में पटना के रूपसपुर स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर बेंगलुरु, हैदराबाद और पटना के 16 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी सितंबर महीने में पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया पटना यूनिवर्सिटी का कैशियर। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक जोड़ने का काम करता है। इसी चक्कर में पटना विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने अपने 12 लाख रुपए गवा दिए। बता दें कि पिछले 17 सितंबर को पटना विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी कैशियर ईश्वर दयाल के फेसबुक पर लंदन निवासी मर्सी गार्डसन ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत हुई और महिला ने कहा कि मैं इंडिया आई हूं और मुझे कस्टम ने रोक लिया है, मेरे अकाउंट को भी फ्रीज कर लिया गया है। ईश्वर दयाल ने महिला की मदद करने के लिए 11 लाख रुपए लोन लिए और उस महिला को पूरे 12 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो वह सीधा पीर बहोर थाने पहुंचा और मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। बिहार के हिस्से कुछ नहीं आया राजस्व घाटा अनुदान की राशि।
केंद्र सरकार की ओर से 13 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की राशि 86,201 करोड़ रुपए के रूप में जारी की गई है, लेकिन इस लिस्ट में बिहार को शामिल नहीं किया गया है, जबकि बिहार भी राजस्व घाटा वाला राज्य में शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई अनुदान की राशि को 12 समान मासिक किस्तों में जारी की जाएगी। वहीं बिहार को इस मद से राजस्व घाटे वाले राज्यों को अभी तक अनुदान की कुल राशि 57,467 करोड़ जारी की जा चुकी है, लेकिन बिहार को इस मद से कोई राशि नहीं मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2020 से 21 में कोरोना के प्रकोप के कारण बिहार भी राजस्व घाटा वाला राज्य था। पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक पदाधिकारी से किया जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने आफताब हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए खुद अपने अधीन के न्यायिक पदाधिकारी से जवाब तलब किया। बता दें कि सुनवाई के दौरान सभी 6 जजों को निर्देश दिया गया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर जवाब दें। जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला पटना के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत संदलपुर के धुनकी मौजा स्थित 5.5 एकड़ जमीन पर राज्य परीक्षा समिति के परीक्षा हॉल व केंद्र के निर्माण का है, जहां इन पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इस पूरे भूमि पर टाइटल सूट के तहत पटना सिटी के सब जज की अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस पर निचली अदालत से निषेध आज्ञा तक जारी है। परीक्षा केंद्र का निर्माण उक्त निषेध आज्ञा के उल्लंघन कर किया जा रहा है। बिहार के 8 आईएएस अधिकारी को मिला प्रमोशन। बिहार के 8 आईएएस अधिकारी को विशेष सचिव स्तर में प्रमोशन मिला है। बता दें कि इससे जुड़ी अधिसूचना बीते दिन मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी कर दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जिन 8 आईएएस अधिकारियों को संयुक्त सचिव में प्रमोशन दिया गया है, उनमें पीएचईडी के अपर सचिव राम अनुग्रह नारायण सिंह, निदेशक भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग नीलम चौधरी, नालंदा के बंदोबस्त पदाधिकारी सतीश कुमार शर्मा, पूर्णिया के बंदोबस्त पदाधिकारी ऋषिदेव झा, छपरा के नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय, स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव राम ईश्वर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ओम प्रकाश यादव और पश्चिम चंपारण के बंदोबस्त पदाधिकारी सुरेश चौधरी शामिल हैं। पटना नगर निगम ने ग्रेजुएट चाय वाली को स्टॉल लगाने को दी जगह। ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता को ठेला एक बार फिर नगर निगम के द्वारा हटा दिया गया था, जिसके बाद प्रियंका गुप्ता ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो सरकार को कोसते नजर आ रही थी और बिहार में लड़कियों की स्थिति को लेकर अपनी बातें कहती नजर आ रही थी। वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम हरकत में आया और उसने ग्रेजुएट चाय वाली को उनका ठेला लगाने के लिए एक नई जगह दे दी है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद प्रियंका गुप्ता ने एक वीडियो शेयर करते हुए दी है, जिसमें वो कहती नजर आ रही है कि मुझे एक नई जगह दी गई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम शांति से काम करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने ललन सिंह को दी सीधी चुनौती। मुजफ्फरपुर के कुर्नी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कुर्नी उपचुनाव को 2024 में भाजपा के अंत की दिशा में शंखनाद बताया है, जिसके जवाब में भाजपा नेता व विप से नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने ललन सिंह को चुनौती दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 छोड़िए, उन्हें कुर्नी उपचुनाव में ही पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या चीज है। उन्होंने कहा कि 2015 की कहानी एक बार फिर से दोहराई जाएगी, कुर्नी उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। वहीं अगर जदयू इतनी मजबूत है तो वह गुजरात और हिमाचल प्रदेश क्यों चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कुर्नी उपचुनाव में AIMIM ने उतारा उम्मीदवार। कुर्नी उपचुनाव को लेकर AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार लिया है। बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की ओर से जिस उम्मीदवार को उतारा है, वे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य और पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी है। जानकारी के लिए बता दें कि गुलाम मुर्तजा अंसारी जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों के साथ रह चुके हैं। कुर्नी उपचुनाव में असुद्दीन ओवैसी की ओर से अपने उम्मीदवार उतारे जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ओवैसी गोपालगंज के बाद अब कुर्नी में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ने को तैयार है। एलजेपी चुनाव चिन्ह विवाद में 29 नवंबर को ईसी करेगा सुनवाई। लोजपा के चुनाव चिन्ह पर हुए विवाद को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 29 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी आयोग के द्वारा 12 नवंबर को दोनों खेमों को भेजे गए एक पत्र में दिया गया था। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया था कि यदि वे चाहे तो 28 नवंबर तक कोई नया दस्तावेज जमा करा सकते हैं। बता दें कि अक्टूबर 2021 में आयोग के द्वारा अपने अंतरिम आदेश में कहा गया था कि जब तक इस विवाद का समाधान उनके द्वारा नहीं निकाल लिया जाता है, तब तक दोनों खेमों में से कोई भी पार्टी लोजपा का नाम या इसका चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं करेगा। गौरतलब है कि राम विलास पासवान और पशुपति पारस ने पार्टी का नेतृत्व हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग का रुख किया था। गौरतलब है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस ने पार्टी का नेतृत्व हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग का रुख किया था। सीएसके के सीईओ ने धोनी को लेकर किया दावा।
आईपीएल 2022 के शुरू होने से पहले सीएसके की कमान रविंद्र जडेजा को सौंप दी गई थी, जिसके बाद यह अटकलें तेज हो गई थी कि आईपीएल 2023 में टीम की कप्तानी धोनी करेंगे या नहीं। इस पर सीएसके की टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है कि एमएस धोनी 2023 में आईपीएल कमान संभालेंगे और इस दौरान वे अपना बेस्ट देंगे और टीम भी अच्छा करेगी। वहीं अगर हम पिछले साल आईपीएल के सीजन की बात करें तो 4 बार के आईपीएल चैंपियन बन चुकी सीएसके को रविंद्र जडेजा की कप्तानी के दौरान 8 में से 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद जडेजा ने अपनी कप्तानी छोड़ दी थी और धोनी को दोबारा कप्तान बना दिया गया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सासाराम, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि पूर्णिया में तेल के भाव में 2 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। राज्य में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल का भाव 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल का 96.34 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। बेतिया में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अक्षय कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, आयुष राज, कुमार सौरभ, मुतुर रंगीला, सिफोन कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साइबर फ्रॉड से खुद को बचाए रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।